अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं पेज नंबर 15। ठीक है, लास्ट टाइम हमने किया था एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। आज हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म मौजूद है, हमने इसको नंबर्स की शेप में लिखना है। ठीक है, लुक एट दिस एक्सपेंडेड फॉर्म देन राइट द नंबर्स। ये हमारे सामने क्या है, ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको हमने नंबर्स की सूरत में लिखना है। सबसे पहले हम ऊपर लिख लेंगे प्लेस वैल्यू वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड। ठीक है, नो रीड इट। सेवन थाउजेंड, सेवन थाउजेंड, थाउजेंड आ जाएगा थाउजेंड वाली प्लेस वैल्यू के नीचे। थ्री हंड्रेड, हंड्रेड के नीचे। टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन, टेंस और वंस को हमेशा मिला के पढ़ते हैं। सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटीन। ठीक है, बी पार्ट पे आइए, हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है, एट थाउजेंड, थाउजेंड के नीचे आ जाएगा एट। नेक्स्ट नंबर हंड्रेड, हंड्रेड पे कोई नंबर नहीं है, जीरो, सो हम यहाँ पे जीरो राइट करेंगे। 72, टेंस और वंस हमेशा मिल के पढ़ा जाता है। ठीक है, मतलब 8072, 8072, यहाँ पे 100 की कोई वैल्यू नहीं है, डिजिट नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा जीरो आया है। सी पे देखिए 3000, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 3000, 600 एंड 3, टेंस पे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं बोलेंगे। इसको एक दफा रीड करें, 3603, 3603। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट, 4000, थाउजेंड के नीचे 4 आ जाएगा, 980। ठीक है, हमारे पास 4000 है, 900 है, 80 क्या है, टेंस वाली प्लेस पे है, वंस पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे जीरो आ जाएगा। इसको रीड कर लेते हैं, 4980। नेक्स्ट है हमारे पास ई पार्ट, 5100, टेंस पे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, जीरो एंड फाइव। इसको कैसे रीड करना है आपने, 5105। इस यहाँ पे भी रीड कर लें, 5105। ये एक्सपेंडेड फॉर्म को नंबर्स की फॉर्म में लिखने का जो है वो ये मेथड है जी। आज हमारा पेज नंबर 16, इसमें आज हमने पढ़ना है प्रीडेसर और सक्सेसर के बारे में। ठीक है, आपके पेज नंबर 16 में बिल्कुल टॉप पे डेफिनेशन लिखी हुई है प्रीडेसर की। देखिए क्या होता है प्रीडेसर, इन मैथ्स द नंबर डेट कम्स जस्ट बिफोर एनदर नंबर इज कॉल्ड डैश नंबर्स प्रीडेसर। प्री मीन्स बिफोर। ठीक है, कि जो नंबर आपको दिया हुआ है उससे पहला नंबर जो होता है वो होता है प्रीडेसर। प्री का मतलब होता है बिफोर, बिफोर मतलब पहले। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे आप देखिए मेरे पास है 1001, अब 1001 से पहले कौन सा नंबर था, 1000। ठीक, इसका मतलब ये है कि 1001 का प्रीडेसर क्या है, 1000, यानी कि इस नंबर से पहले वाला जो नंबर होगा वो इसका प्रीडेसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए 5870, अब ये 70 है, 70 से पहले वाला नंबर क्या होगा, 69, मतलब 5869, ये किसका प्रीडेसर है, 5870 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास नंबर है 6924, इसका प्रीडेसर क्या होगा, मतलब इससे पहले वाला नंबर क्या होगा, इससे पहले वाला नंबर होगा 6923। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है 5020, अब 5020 से पहले वाला नंबर क्या है, 5020 से पहले वाला नंबर है 5019। ठीक है, तो ये इसका प्रीडेसर है। जी अब इसी पेज पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट द सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन है, द नंबर डेट कम्स जस्ट आफ्टर एनदर नंबर इज कॉल्ड डैश नंबर सक्सेसर। सक्सेसर मीन फॉलो, मतलब एक नंबर के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो उसका सक्सेसर होता है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के जरिए करेंगे। देखिए जरा बोर्ड पे, हमारे पास एग्जाम्पल है 2099, इसका सक्सेसर क्या होगा, मतलब इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 2100, 99 है, इसमें आप 1 प्लस करते हो। बेसिकली सक्सेसर में ये होता है कि हमने एक नंबर आगे जाना होता है। ठीक है,
मतलब वन प्लस करना होता है। अगर आपको किसी नंबर से नहीं समझ आ रहा होता है इसका सक्सेसर क्या है, तो आप सिंपल उसको प्लस कर सकते हैं, वन ऐड कर सकते हैं। नाइन और वन टेन, वन कैरी, नाइन और वन टेन, वन कैरी, ये ऐसे हमें बहुत इजीली पता चल सकता है कि हमारा सक्सेसर क्या है। ठीक है, बी पार्ट है हमारा 2129। अब इसमें आप वन ऐड कर लें, आपका सक्सेसर आ जाएगा, अगर आपको ज़ुबानी समझ नहीं आ रहा तो। नाइन और वन टेन, वन कैरी, टू और वन थ्री, वन एज इट इज़ आ जाएगा टू। ठीक है, 2130। ठीक है, सक्सेसर में क्या करते हैं, एक नंबर आगे जाते हैं, मतलब वन ऐड करते हैं। सी है इसमें 9999। इसमें भी हमने क्या करना है, एक नंबर आगे जाना है। ठीक है, ये रफ वक्त में आप करके देख सकते हैं, इसको वन ऐड करना है आपने, वन आपने वंस वाली प्लेस पे लिखना है, यहाँ पे नहीं लिख देना। नाइन और वन टेन, वन कैरी, नाइन और वन टेन, वन कैरी, नाइन और वन टेन, वन कैरी, नाइन और वन टेन। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, 10,000, यह हमारा सक्सेसर है। ठीक है, सक्सेसर का मतलब क्या होता है कि जो हमें नंबर दिया गया है उसे पहले वाला नंबर, सॉरी नेक्स्ट नंबर।